हेलो एवरीवन, आज हम लोग सेकेंड स्टैंडर्ड एनसीईआरटी मैथ्स की बुक्स पढ़ेंगे, चैप्टर 5 पैटर्न्स टेस्ट बुक। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पैटर्न सीखेंगे। इसमें क्या लिखा है, बिन्नी एंड गिन्नी आर गोइंग होम। बिन्नी और गिन्नी दोजन मिलकर घर पे जा रहे थे। ऑन द वे दे सॉ सम पीपल मेकिंग द पेवमेंट्स। तो उन लोगों ने देखा कुछ लोग मिलकर पेमेंट्स बना रहे हैं। पेमेंट मतलब स्टूडेंट्स फुटपाथ बना रहे हैं। द टाइल्स यूज वेयर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड डिज़ाइन, दिस इज व्हाट दे सॉ। मतलब जो टाइल्स वो लोग यूज़ कर रहे थे वो डिफरेंट डिज़ाइन है और डिफरेंट कलर्स है। तो स्टूडेंट्स आप देखो, ये एक पैटर्न्स है, ठीक है। तो बिन्नी और गिन्नी ने देखा ऐसा ही कुछ पैटर्न्स फुटपाथ बना रहे, ऐसा कुछ टाइल्स लेकर फुटपाथ बना रहे। तो ये टाइल्स अलग है दिखने में डिफरेंट, और ये भी टाइल्स अलग है, दोनों का दो टाइल्स में बहुत डिफरेंट है। तो आप देख पा रहे हो ऐसा ही कुछ टाइल्स उन लोगों ने देखा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, ऑन रीचिंग होम दे सॉ देयर मदर साड़ीज हैंगिंग ऑन ए रूफ। फिर वो लोग जब घर पे आया, देखा उसका मम्मी का साड़ी एक रस्सी में लटक रहे हैं। इट ऑल्सो हैड ए नाइस डिज़ाइन विथ डिफरेंट कलर्स। तो देखा साड़ी का डिज़ाइन बहुत अच्छा था और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स था। तो देखो ये उसका मम्मी का साड़ी है, ये साड़ी रस्सी में लटक रहा है, इसमें अलग अलग डिज़ाइन है और अच्छा सा डिजाइन है और अलग अलग कलर्स है। तो ये भी एक पैटर्न्स है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पेज नंबर 31 क्या लिखा है, इन द इवनिंग दे आर प्लेइंग इन ए पार्क। जब शाम को वो लोग पार्क में खेलने के लिए गए, दे सॉ आयरन गिल्स ऑन द बाउंड्री वॉल। तो वो लोग देखा बाउंड्री का जो वॉल है, दीवाल है, उसमें कुछ ग्रिल्स लगा हुआ है, आयरन गिल्स है, जिसका पैटर्न आप देख पा रहे हो, ये है बाउंड्री का गिल्स। तो देखो इसमें कुछ पैटर्न्स है, कुछ एक ग्रिल फिर उसके साथ जोड़कर, एक ग्रिल के साथ जोड़कर, बहुत सारी ग्रिल जोड़कर एक पैटर्न्स बना गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लुकिंग एट द ग्रिल्स बिन्नी सेड दी सम ग्रिल्स मेक ए डिफरेंट पैटर्न इन आवर विंडोज एट होम। तो बिन्नी ने कहा ऐसा ही गिल मेरे घर पे विंडो पे है डिफरेंट पैटर्न्स की। तो देखो स्टूडेंट्स, ये गिल को आपको ये जो पैटर्न्स है इसको सीधा रखकर एक ग्रिल के साथ बहुत सारी ग्रिल ऐड कर ऐसा पैटर्न्स बनाया गया है। तो ऐसा ही डिज़ाइन का गिल्स अगर आप टेढ़ा कर दोगे तो देखोगे दिखने में ऐसा हो रहा है ना। तो डिज़ाइन एक ही है लेकिन इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया गया है ना, पैटर्न्स थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, वी सी मेनी सच पैटर्न्स अराउंड अस ऑन टाइल्स क्लोथ ड्यूरीज। तो ये छोड़कर भी बहुत सारे पैटर्न्स बना सकते हो, ऑन टाइल्स से पैटर्न्स होता है, क्लोथ से होता है और ड्यूरीज से भी पैटर्न्स हो सकता है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, बोलू माउस हैज़ ईटन ए पार्ट ऑफ द शॉल ऑफ बिन्नीज मदर। अभी ये जो माउस का पिक्चर्स आप देख पा रहे हो, ये इसका नाम है भोलू। तो ये भोलू माउस बिन्नी का मम्मी का साल का कुछ पार्ट खा लिया, कुछ अंग्स खा लिया साल का। लुक एट द पिक्चर एंड हेल्प बिन्नी इन मैचिंग विथ पीस इज ऑफ द शॉम पैटर्न। मतलब आपको ये पिक्चर देखना है और बिन्नी का मम्मी को हेल्प करना है, ये जो साइड पे शॉल का पिक्चर्स फोटो दिया गया है इसमें से कौन सा मैच होगा ये आपको ढूंढकर ये जगह के साथ मैच करना है, ठीक है। तो देखो ये साल का जो पैटर्न है इसमें क्या है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर चार चार स्क्वायर है, 1 2 3 4। तो ये जो साल का पिक्चर पार्ट दिया गया है इसमें है 1 2 3, सब अलग अलग स्क्वायर है, एक साथ ऐसा बॉक्स जैसा नहीं है। फिर नेक्स्ट जो पैटर्न है इसमें इसका इसके साथ भी ये मैच नहीं हो रहा है ना। फिर नेक्स्ट देखो इसके साथ भी ये बॉक्स ये पैटर्न्स मैच नहीं हो रहा है। फिर ये जो लास्ट है इसके साथ मैच हो रहा है साल का
साल का जो पैटर्न है इसके साथ ये पार्ट मैच हो रहा है ना, तो आप ऐसा करके मैच कर सकते हो, मैच कर दोगे ठीक है। क्योंकि इसमें भी चार बॉक्स है, ये जो शाल का पिक्चर आप देख पा रहे हो इसमें भी चार बॉक्स है ना, तो इसके साथ मैच हो रहा है, तो मतलब ये शाल ही इसके साथ मैच होगा ठीक है। ये पार्ट जो है ये पार्ट ही ये शाल के साथ मैच होगा। नेक्स्ट है पेज नंबर 32। तो इसमें क्या लिखा है, माधव वांट्स टू मेक ए पैटर्न ऑन ए गेट यूजिंग ए पिक्चर, मतलब इसको यूज कर माधव ने उसका गेट पे एक पैटर्न बनाना चाहता है ठीक है। कैन यू गेस व्हिच ऑफ दिस कैन नॉट बी फॉर्म्ड विथ दिस, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें से किससे नहीं बना जा सकता है। तो देखो ये पैटर्न्स के साथ आपको ऊपर जो पैटर्न्स है इसके साथ आपको मैच करना है ठीक है। जो जिसके साथ मैच नहीं होगा उसमें आप क्रॉस करोगे और जिसके साथ मैच हो जाएगा उसमें आप टिक कर सकते हो ठीक है। तो देखो ऊपर ये पिक्चर जो है इसके साथ ये मैच हो रहा है, ऊपर का जो ये एक रील है इसका ही पैटर्न्स इसमें दिया गया है, तो इसके साथ ये पैटर्न्स के साथ क्या मैच हो रहा है, तो इसके साथ मैच हो रहा है साइड पे जो पैटर्न्स है नहीं है। अब ध्यान से देखो तो ये ऊपर है ऐसा है और इसका क्या है ऐसा है ना, ये पैटर्न्स ऐसे है और अभी ये वाला कैसे है ऐसा है, तो इसके साथ ये मैच नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट इसके साथ ये मैच हो रहा है नहीं हो रहा है ना, फिर इसमें भी क्रॉस आ जाएगा, फिर इसके साथ मैच हो रहा है इसके साथ ये मैच हो रहा है नहीं ये भी मैच नहीं हो रहा है, तो इसमें भी क्रॉस हो जाएगा। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स ये जो पैटर्न्स है इसके साथ ये पैटर्न्स मैच हो रहा है, क्योंकि ये भी दिखने में ऐसा ही है ऐसा ऊपर। अब ध्यान से देखो अच्छे से ड्रॉ करोगे तो के नोट पे आपको पता चल जाएगा कुछ ऐसा है ना, इसके साथ ये वाला मैच हो रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा इसमें टिक हो जाएगा ओके। नेक्स्ट क्या है देखो, फिल अप द ब्लैंक बॉक्सेस टू कॉम्प्लीट द पैटर्न, तो इसमें कुछ पैटर्न्स दिया गया है आपको फिल करना है मतलब पूरा भरना है ठीक है। तो आप देखो पहले पर्पल कलर का पूरा बॉक्स जो है पर्पल कलर से कंप्लीट किया गया है, फिर उसके बाद येलो कलर, फिर पर्पल कलर, फिर येलो कलर, फिर पर्पल कलर, फिर येलो कलर, फिर पर्पल कलर ओके। नेक्स्ट बॉक्स जो है इसमें दो ट्रायंगल है देखो, एक साइड का ट्रायंगल जो है इसमें येलो कलर किया गया है और एक ट्रायंगल इसमें ग्रीन कलर किया गया है। नेक्स्ट बॉक्स में क्या किया गया है, नेक्स्ट बॉक्स में ग्रीन कलर ऊपर किया गया है और येलो कलर नीचे किया गया है। नेक्स्ट बॉक्स में क्या है, येलो कलर नीचे किया गया है और ग्रीन कलर ऊपर किया गया है। नेक्स्ट बॉक्स में ग्रीन कलर ऊपर येलो कलर नीचे, ऐसा करके ये बॉक्स पूरा कंप्लीट किया गया है। अभी ये जो बॉक्स है इसमें से आपको अच्छे से कलर भरना है, तो इसमें पर्पल कलर है, फिर येलो कलर, पर्पल कलर, फिर इसमें कौन सा कलर आएगा येलो कलर, फिर इसमें आएगा पर्पल कलर, फिर इसमें आएगा येलो कलर, फिर इसमें आएगा पर्पल कलर, जैसे ही ऊपर दिखाया ऐसा करके आपको ये बॉक्स कंप्लीट करना है। ऐसा करके ये बॉक्स भी आप कंप्लीट करोगे, ये बॉक्स भी आप कंप्लीट करोगे और ये बॉक्स भी आप कंप्लीट करोगे अच्छे से देखकर ठीक है। मैं आपको समझा दिया कैसे करके करना है, ऐसे करके आप अच्छे से बुक्स में कलर भर के रखोगे। अभी स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पेज नंबर 33। तो इसमें क्या लिखा है, यूजिंग वन लीफ वी कैन मेक डिफरेंट पैटर्न्स, सी दिस फाइव लिपी पैटर्न्स। तो देखो एक पत्ते को यूज़ कर पैटर्न्स बनाया गया है, एक पत्ते को यूज़ कर आप पैटर्न्स बना सकते हो। आप ध्यान से देखोगे पांच, एक पत्ते से पांच कैसे डिफरेंट पैटर्न्स बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स यूजिंग वन लीफ वी कैन मेक डिफरेंट पैटर्न्स, सी दिस फाइव लिपी पैटर्न्स। तो देखो स्टूडेंट्स एक पत्ती का उपयोग करके हम विभिन्न पैटर्न्स बना सकते हैं। आप देख ही पड़े हो ये फाइव पत्तेदार पैटर्न्स को देखो, देखो ये अब अच्छे से देखो, एक बार सीधा
एक बार उल्टा, एक बार सीधा, एक बार उल्टा, एक बार सीधा, ऐसा करके किया गया है। नेक्स्ट लाइन पर एक बार सीधा, एक बार टेढ़ा, एक बार सीधा, एक बार टेढ़ा, एक बार सीधा, ऐसा करके किया गया है। फिर नेक्स्ट ये क्रॉस में रखा गया है ये पत्ते, है ना। ऐसा करके ये पूरा पेज, ये पेज जो आप देख पा रहे हो इसमें एक पत्ती को यूज़ कर कर कैसे पैटर्न्स बनाया गया है, ठीक है। तो ऐसा करके आप घर पे कोशिश कर सकते हो। अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 34। इसमें क्या लिखा है, लुक एट द पैटर्न्स एंड फील ऑफ द बॉक्स। तो इसमें भी कुछ पैटर्न्स दिया गया है, जिस जो बॉक्स खाली है इसमें आपको ये पैटर्न्स पूरा करना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, ये रेड कलर का सर्कल है, फिर ग्रीन कलर का बॉक्स है, फिर रेड कलर का सर्कल है, फिर ग्रीन का बॉक्स है, फिर इसमें क्या आएगा, राइट सर्कल आएगा, फिर ये सर्कल में आप रेड कलर करोगे, फिर उसके बाद ग्रीन कलर का बॉक्स आएगा, फिर रेड कलर का सर्कल, फिर ग्रीन कलर का बॉक्स। ऐसे करके वन बॉक्स कंप्लीट हुआ। अभी टू, इसमें देखो एरो सीधा रखा गया है, ब्लू कलर किया गया है, ठीक है। ऐसा करके आपको पूरा पैटर्न्स कंप्लीट करना है, पूरा बॉक्स जो है ये कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट नंबर, इसमें वन सर्कल है, इसमें टू सर्कल, इसमें थ्री है, इसमें वन है, फिर इसमें क्या आ जाएगा, टू, इसमें आ जाएगा थ्री, फिर से इसमें आ जाएगा वन सर्कल, फिर से इसमें आ जाएगा टू सर्कल, ठीक है। ऐसा करके आपको ये बॉक्स कंप्लीट करना है। अभी नेक्स्ट, दो एरो ऊपर अप, दो एरो डाउन, फिर दो एरो अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, ऐसा करके आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर अप होगा, फिर डाउन होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा ही है, आपको ये होमवर्क करना है, ठीक है। जैसे मैं समझा दिया ऐसा करके नीचे तीन बॉक्स भी आप पूरा कंप्लीट कर लोगे। अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है, नंबर पैटर्न्स हेडिंग पे लिखा है, फिर नीचे क्या लिखा है, लेट अस लुक एट द सम पैटर्न्स विद नंबर्स, फिल द नंबर इन द ब्लैंक स्पेस शेप ऑफ ईच पैटर्न। तो नीचे जो पैटर्न्स है इसमें कुछ नंबर दिया गया है, नंबर का पैटर्न्स दिया गया है, ये आपको कंप्लीट करना है। जैसे देखो वन है, टू नंबर मिसिंग है, फिर थ्री है, फोर नहीं है, फाइव दिया गया है, फिर सेवन है, फिर अब एट मिसिंग कर दिया गया है, इसमें क्या आ जाएगा, नाइन, एक 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 नंबर मिसिंग किया गया है और नेक्स्ट नंबर आपको लिखना है, ठीक है। अभी इसमें क्या करना है, टेन 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 करके ऐड किया गया है, ठीक है। ट्वेंटी साथ टेन प्लस करोगे तो कितना हो जाए, थर्टी, थर्टी के साथ आप टेन प्लस करोगे तो हो जाता है फोर्टी, फोर्टी के साथ टेन प्लस करते हो तो हो जाता है फिफ्टी, फिफ्टी के साथ टेन प्लस करते हो तो हो जाता है सिक्सटी, टेन प्लस करते हो तो सेवेंटी, सेवेंटी के साथ टेन प्लस करो तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एट्टी। अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है इसमें क्या करना है, ट्वेंटी फोर है, फिर 27 है, तो 24 का कितना काउंट करोगे तो 27 सेवन आएगा, 24 के बाद, 24 के बाद 25, 26, 27, 3 ऐड करोगे तो आ जाता है 27, फिर 27 के बाद आप 3 प्लस करो, 27 के बाद 28, 29, 30, इसीलिए इसमें 30 आया, फिर 30 के साथ 3 ऐड करो, 30 के बाद 31, 32 एंड 33, तो इसमें 33 है, फिर 33 के साथ 3 ऐड करके 36 आ गया है, 36 के साथ आप 3 ऐड करो, 36 के बाद 37, 38, 39, तो ये बॉक्स में ये जो है ये पत्ते के ऊपर आप क्या लिखोगे, 39, 39। अभी नेक्स्ट देखो इसमें क्या किया गया है, 5 प्लस 5 होता है 10, प्लस 5 होता है 15, प्लस 5 होता है 10, 20, प्लस 5 होता है 25, प्लस 5 होता है 30, 30 के साथ प्लस 5 ऐड करो तो कितना होता है, 35, तो ये इसमें आप लिखोगे 35, प्लस 5 करके ऐड करके हो गया 40, तो 40 के साथ ये जगह खाली है तो इसमें आप क्या करोगे, प्लस 5 ऐड करोगे, क्योंकि इसमें हम प्लस 5 प्लस 5 करके ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो 40 के साथ प्लस 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाता है, 45, तो ये खाली जगह पे आप 45 लिखोगे, फिर 45 के साथ ऐड करके 50 किया गया है, फिर 50 के साथ आप कितना ऐड करोगे, प्लस 5, प्लस 5 ऐड करके कितना आ जाएगा, इसके आंसर 55, 55, तो ये जो खाली जगह है इसमें आप लिखोगे 55, क्योंकि इसमें 5, 5, 5 करके प्लस करते जा रहा है, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज है स्टूडेंट्स पेज नंबर 36।
तो इसमें क्या लिखा है, टिट्टू फ्रॉग जम्प्स ओवर टू नंबर्स एंड रीच द थर्ड नंबर, व्हेयर विल टिट्टू गो नेक्स्ट, मेक ए रिंग ऑन द अदर नंबर्स। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये जो टिट्टू फ्रॉग है ये टू टू नंबर स्किप करके तीसरा नंबर पे जाकर जंप कर रहा है, मतलब रुक रहा है। ठीक है, तो देखो ये टिट्टू फ्रॉग जो है ये इधर से चालू किया था, कुछ नंबर से नंबर नहीं था इसमें चालू किया था, दो नंबर स्किप कर दिया, थ्री नंबर में आकर रुका, फिर थ्री नंबर से जंप किया, बीच में फोर फाइव नंबर स्किप कर दिया, फिर सिक्स नंबर पे आकर रुक रहा है, फिर अभी सिक्स नंबर से चालू किया, बीच में दो नंबर स्किप कर देगा, फिर आ जाएगा नाइन नंबर में। तो आपको ऐसा सर्किल करना है, ठीक है। फिर नाइन नंबर से जंप कर रहा है तो बीच में दो नंबर स्किप कर देगा, जैसे टेन टेन और इलेवन स्किप कर देगा, वो तीसरा नंबर में आकर रुकेगा, मतलब सीधा ट्वेल्व पे आकर रुकेगा। फिर ट्वेल्व के बाद दो नंबर स्किप करेगा, जैसे थर्टीन फोर्टीन स्किप करेगा, वो तीसरा नंबर मतलब फिफ्टीन पे आकर वो रुकेगा। ठीक है, ऐसा करके आपको सर्किल करना है। फिर फिफ्टीन के बाद वो आ जाएगा सीधा एटीन पे, फिर एटीन के बाद दो नंबर स्किप कर दिया, नाइनटीन ट्वेंटी स्किप कर दिया, आ जाएगा वो ट्वेंटी पे, फिर सॉरी ट्वेंटी वन पे, फिर ट्वेंटी वन के बाद वो आ जाएगा सीधा ट्वेंटी फोर पे, क्योंकि 22 और 23 दो नंबर स्किप करके वो तीसरा जो नंबर है 24 ये नंबर पे आकर वो रुकेगा, मतलब वो वन से चालू किया था, थर्ड में आकर रुका था, फिर लास्ट में वो 24 में आकर रुक गया। ठीक है, ऐसा करके नीचे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, ये भी हम लोगों को सॉल्व करना है। टिट्टू जंप्स एंड गेट्स ऑन एवरी टेंथ स्टोन, राइट द नंबर्स ऑन द स्टोन। तो टिट्टू फ्रॉग जो है, नेक्स्ट आप देखो स्टूडेंट्स, टिट्टू जंप एंड गेट ऑन एवरी टेंथ स्टोन, राइट द नंबर ऑन द स्टोन। तो टिट्टू जो है, टिट्टू फ्रॉग जो है टेन स्टोन नंबर का जंप कर रहा है, तो इसमें देखो पहले वो ट्वेंटी ये स्टोन से लेकर 28 में जंप किया गया, तो ये आप पहले ध्यान मत दो, ठीक है, 28 है। तो ऐसा कौन सा नंबर आप ऐड करोगे, जिसके कौन सा नंबर आप लिखोगे जिसके साथ 10 ऐड करने के बाद 28 आता है, तो आप 18 के साथ 10 ऐड करोगे, देखोगे 28 आ गया, तो ये जो खाली जगह है इसमें कौन सा नंबर आ जाएगा, 1818। फिर 28 तो बुक्स में है, फिर 28 के साथ 10 ऐड करोगे तो होता है 38, फिर 38 के साथ और भी आपको 10 नंबर ऐड करना है, 38 प्लस 10, नीचे 8 आ गया, 3 प्लस 1 कितना हो जाता है 4, तो 4848। ठीक है, तो ये खाली जगह पे आप क्या लिखोगे, 4848, क्योंकि हम लोगों को 10 10 10 करके प्लस करना है। ठीक है, 48 तो हो गया, तो 48 के साथ अभी 10 प्लस करो 8, और एक के बाद वन नंबर के बाद फोर नंबर तक आपको जाना है, वन के बाद टू थ्री फोर फाइव, कितना हो गया 5858, तो ये जगह पे आप लिखोगे 58। फिर 58 के साथ आप 10 नंबर प्लस करो, तो इसमें आ जाता है 8, वन के बाद टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितना आ गया 6868, तो ये जगह पे आ जाएगा 6868, क्योंकि 10 10 10 करके आपको प्लस करने के लिए बोला गया है, तो 68 के साथ आप 10 नंबर प्लस कर दोगे तो हो जाता है 7878। ओके, आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स, आपको ये 10 10 10 करके आपको ये प्लस करना है, और ये आपको ध्यान रखना है 28 दिया गया है, ये नंबर लिखा गया नहीं है, तो ऐसा कौन सा नंबर लिखोगे जिसके साथ 10 प्लस कर करो 28 होता है, तो 18 प्लस 10 हो जाता है 28। अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज में क्या करने के लिए बोला है, रीड एंड राइट व्हाट कम नेक्स्ट, तो आपको ये देखना है और नेक्स्ट नंबर लिखना है, ये भी पैटर्न सी है, तो इसमें क्या लिखा है, डबल ए डबल बी डबल सी डबल डी, तो इसमें क्या आ जाएगा, डबल ई डबल एफ डबल जी एंड डबल एच, फिर नेक्स्ट ए बी, इसमें आएगा सी डी, इसमें ई एफ, इसमें आएगा जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। ठीक है,
नेक्स्ट बॉक्स डे नाइट डे, इसमें क्या आ जाएगा राइट, नाइट डे नाइट डे नाइट, ओके। फिर नेक्स्ट वन टू, फिर नेक्स्ट वन टू, फिर इसमें क्या आ जाएगा वन टू ऐसा, ठीक है। फिर वन वन करके बैकवर्ड नंबर किया गया है, नहीं वन 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 करके प्लस किया गया है, ठीक है। 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 एंड 94। नेक्स्ट 10, 10, 10 करके प्लस किया गया है, 20 प्लस 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 10, 10, 10 करके आपको प्लस करना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर जो है, नेक्स्ट जो बॉक्स है इसमें भी 10, 10, 10 करके प्लस किया गया है, ठीक है। जैसे 90 से स्टार्ट किया, 19 के साथ 10 प्लस करोगे तो 29, 29 के साथ आप 10 नंबर ऐड करोगे तो 39, 39 के साथ 10 नंबर प्लस करोगे तो 49, ऐसा करके 59 आया, फिर 69, फिर 79 एंड 89, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 333 नंबर करके प्लस किया गया है, जैसे 2 के बाद 3, 4, 5, 3 नंबर बाद 5 आता है, फिर 5 के बाद 3 नंबर ऐड किया तो 8 आया, फिर 8 के बाद अब 3 नंबर ऐड कर दो तो 8 के बाद 9, 10, 11, 11 आया, 11 के बाद 3 नंबर ऐड करो 12, 13, 14, 14 आया, फिर 14 के बाद 15, 16, 17, 17 आया, 17 के बाद 18, 19, 20, 20 आया, फिर ऐसा करके 23 भी आ गया। अभी देखो 5, 5, 5 करके नंबर प्लस किया गया है, 15 प्लस 5, 20 प्लस 5, 25 प्लस 5 क्या हो जाता है 25 के साथ प्लस 5 आप करोगे तो 30, फिर 30 के साथ 35, फिर 40, 45 एंड 50। नेक्स्ट जो पैटर्न है इसमें भी क्या किया गया है, 18 के बाद 19, 20, 21 3 नंबर ऐड करके जा रहा है, 21 के बाद 22, 23, 24, फिर आपको क्या समझ लेना है 333 नंबर ऐड कर रहे, तो मतलब आपको भी जो खाली बॉक्स है इसमें 333 नंबर ऐड करके वो नंबर आपको लिखना है। फिर 24 के बाद आप 3 नंबर ऐड करो, 24 के बाद 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ओके। 3, 3, 3 करके आपको नंबर ऐड करना है। अभी नेक्स्ट 2, 2, 2 करके नंबर ऐड किया गया है, जैसे 52 के बाद 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, ओके। नेक्स्ट जो पैटर्न से इसमें 5, 2, 5, 4, 5, 6, 2, 2, 2 करके आपको सॉरी इसमें 52, 54, 56, फिर 58, 2, 2, 2 नंबर करके किया गया है, ठीक है पैटर्न से। तो 52, 52 के बाद 2 नंबर ऐड करोगे तो 54, 56, 56 के बाद 2 नंबर ऐड करोगे तो 58, 60, 62, 64 एंड 2 नंबर ऐड करोगे तो 66। नेक्स्ट जो बॉक्स है इसमें आपको क्या करना है, अच्छे से आप ध्यान से सुनो, ठीक है। नेक्स्ट 5 है, आप क्या करोगे पहले नंबर लिख लोगे, 6, 7, 8 आप पहले नंबर लिख लोगे, फिर 9, 10, 11, 12 लिख लिया, फिर 5 के बाद देखो P है, 6 के बाद Q, इसमें R, इसमें क्या आ जाएगा S, 9 में आ जाएगा T, 10 में आ जाएगा U, फिर 11 में आ जाएगा V, फिर 12 में आ जाएगा W, ऐसा करके करोगे तो आपको ईजी पड़ेगा, ठीक है गलती नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पैटर्न्स भी मैं कर दिया, अब देख ही पा रहे हो ये जो 4 बॉक्स है ये आप खुद अपने आप करोगे, ठीक है। करने के बाद वीडियो के साथ आप जो फोटो देख पा रहे हो इसके साथ आप मैच कर लोगे। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 38, इसमें क्या लिखा है, केतु हैज़ मेड सम पैटर्न्स बाय कलेक्टिंग लीव्स, केतु ने कुछ लीव्स कलेक्ट किया और कुछ ऐसे तरीके से पैटर्न्स बनाया, देखो ऐसे तरीके से कुछ पैटर्न्स बनाया, ये एक पैटर्न्स बनाया और ये एक लिप्स का उन्होंने पैटर्न्स बनाया, ठीक है। तो नीचे क्या लिखा है, नाउ यू ऑल्सो कलेक्ट सम लिप्स एंड अरेंज देम इन डिफरेंट पैटर्न्स, ऑल्सो ड्रॉ पैटर्न्स यूजिंग मैच स्टिक्स। तो आप भी ऐसा कुछ लिप्स कलेक्ट करो और इसमें पैटर्न्स ड्रॉ करो, पैटर्न्स बनाओ,
फिर आप चाहो तो मैच स्टिक्स भी यूज़ कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है, आप घर पे खुद कोशिश करोगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 जो पैटर्न्स चैप्टर है, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आप पहले वीडियो अच्छे से देखोगे, फिर उसके बाद आप देखने के साथ साथ आप बुक्स भी पूरा करोगे, ठीक है। तो मैं आशा रखती हूँ आप ये पूरा कंप्लीट करके रखोगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।